सो गाइस आज हम लोग खेलने वाले विदर किंग एसएमपी, वो भी विदर किंग के साथ। अरे तो मर गया, वेल कोई बात नहीं, फेक वाला था। बट यार आज हम लोग एक रियल वाले विदर किंग से मिलने जाने वाले हैं। पर क्यों? वेल एक्चुअली में ना इसके पीछे बहुत ही ज्यादा हॉरर कहानी है एंड मैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो मैं जहाँ पर रहता हूँ ना उसके जस्ट बगल में एक बहुत ही ज्यादा प्यारा सा विलेज है जहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा खुश बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर रहता है एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक, एक बहुत ज्यादा गुंडा, एक बहुत ज्यादा बेकार आदमी नहीं गोलम। यस गोलम रहता है, एक बहुत ज्यादा बुरे तरीके का गोलम। एंड वो क्या करता है कि प्यारे प्यारे विलेजर से वसूली करता है, मतलब कि उनसे एमरल्ड, उनका खाना, वो सब के सब मांगते रहता है। एंड अगर वो उसको नहीं देते हैं तो उस रात उनके घर में पार्टी होती है, लेकिन जॉम्बीज की, क्योंकि आयरन गोलम जॉम्बीज को इनवाइट कर देता है उनके घर में। भाई बहुत ज्यादा गंदा है वो। और इसी हम लोग विदर किंग के पास जाने वाले हैं क्योंकि कल रात को किसी मॉन्स्टर ने उस गोलम को खा लिया। सीरियसली खा लिया भाई। एंड वो मॉन्स्टर कोई नॉर्मल सा मॉन्स्टर नहीं था, वो एकदम विदर जैसा था। मतलब कि यार विदर साम्राज्य में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है एंड मुझे नहीं मालूम कि विदर किंग को इसके बारे में मालूम है कि नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर हीरो बनने की कोशिश करने वाले हैं एंड विदर किंग को ये सारी बातें बताएंगे। बात यार दिक्कत ये है ना कि मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, मतलब कि मेरे पास कुछ भी नहीं है भाई खाने के नाम पे। ठीक है, मैं इतना ज्यादा गरीब हूँ कि मेरा पूरा इन्वेंटरी एकदम खाली है मेरे दोस्त के दिमाग की तरह। तो अभी यहाँ पर इसको भरना पड़ेगा और इसके लिए यहाँ पर हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा ग्राइंडिंग। तो जल्दी से यार ग्राइंडिंग को स्टार्ट करते हैं ताकि हम लोग जल्दी से विदर किंग से मिल सके। कोबल स्टोन की तरह है, कोबल स्टोन निकाल, कोबल स्टोन, कोबल स्टोन। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा ऑफ कैमरा ग्राइंडिंग किया ना, आप देख सकते हो कि मेरे पास आ चुके हैं नेदराइट के आर्मर एंड बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके के नेदराइट के वेपन्स, क्योंकि यही तो फायदा होता है ऑफ कैमरा ग्राइंडिंग का। तो अभी हम लोग एकदम रेडी हो चुके हैं नेदर में जाने के लिए। बाकी यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत और भी ग्राइंडिंग कर ली, मतलब कि केम में किया था, थोड़ा बहुत माइनिंग कर रहा था, तो छोटे मोटे मेरे को डायमंड्स भी मिल गए। वैसे इतने डायमंड्स की जरूरत नहीं, मेरे को सब फेंक देता हूँ, मैं करूंगा क्या इतने डायमंड्स का। कोई अगर लकी हुआ तो उसको कुछ चुन्नू मुन्नू से डायमंड्स मिल जाएंगे। बाकी अभी डायरेक्टली चलते हैं हम लोग किसी नेदर पोर्टल के पास, बिकॉज यार मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ एंड इसलिए मैं नेदर पोर्टल बनाना नहीं चाहता। तो मैं चाह रहा हूँ ना कोई ऐसे बना बनाया नेदर पोर्टल मिल जाए ना, तो बहुत ज्यादा सही रहेगा एंड इसलिए यहाँ पर। ओ लेट्स गो गाइस, वो देखो भाई वहां पर पहले से ही एक रूइंड नेदर पोर्टल है। भाई यार कहना पड़ेगा मेरा लक कितना ज्यादा साथ दे रहा है, मतलब कि मैं केव में गया तो मुझे काफी सारे डायमंड्स मिल गए, मेरे को नेदराइट के स्वॉर्ड वेपन्स इतने खतरनाक वाले मिल गए। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको एक चीज बता रहा था भूल ही गया, ये आप जो स्वाद देख रहे हो ना वो साथ में स्पाइक वाला स्वाद है, ऐसा लुलु पुलु स्वाद नहीं है, खतरनाक वाला है। ऑल राइट, तो यहाँ पे आ चुके हैं इस चेस्ट के अंदर, तो ज्यादा कुछ नहीं है। वैसे यहाँ पर फ्लिंट मिल चुका है एंड कुछ नगेट मिल चुके हैं, मतलब कि हम लोग आराम से फ्लिंट एंड स्टील बना सकते हैं बिना कुछ दिक्कत के, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा है। ऐसे नहीं बनता है क्या? ओके, तो क्राफ्टिंग टेबल का इस्तेमाल करके बना लेते हैं ना। ये लो इंगत बन गया एंड इसको कुछ ऐसे रखना है गैस। ओके यहाँ पर मैंने फ्लिंट एंड स्टील बना लिया है, तो जल्दी से ये जो पोर्टल इसको लाइट अप करते हैं। बट ये पोर्टल तो टूटा हुआ है, हम लोग अंदर जा नहीं सकते एंड जैसे कि मैंने बोला मैं बहुत ज्यादा आलसी हूँ, मेरे को ये पोर्टल बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना यार अभी हम लोग उस विलेज में जाए जहाँ पर वो आयरन गोला मरा था, वहां से एक विलेजर को उठा कर लाएंगे एंड अपना पोर्टल बनवाएंगे। वैसे भी उस विलेज का आयरन गोला मारा जा चुका है, तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता है उस विलेज में जाकर कुछ विलेजर्स को किडनैप करने में। ओके गाइस, तो हम लोग उस विलेज के काफी ज्यादा करीब आ चुके हैं, बस इधर ही ऊपर आस पास था। लेट्स गो गाइस, वो आप सामने देख सकते हो वो रहा विलेज एंड ये एक विलेजर। अबे हेलो विलेजर, कैसा है भाई, क्या कर रहा है ये? कुछ बुशेस कलेक्ट कर रहा है। बाकी सुन, मेरे साथ चलेगा? थोड़ा काम हूं मैं, थोड़ा आजा। नहीं आएगा ये? स्वाद देखा है? स्वाद देख रहा है, शार्पनेस 5 है, मारू क्या तुझे मैं?
मारू क्या, चलेगा मेरे साथ, चल चल मेरे पीछा, चल मेरे पीछा। भाई साहब यहाँ पर विलेजर्स जो है ना इस विलेज के काफी ज्यादा एक तरीके से नक्चरे हैं, मानते नहीं है बात, स्वाद वो दिखाओ तो भी मानते हैं। जल्दी आ, जल्दी आ, मार मुड़ के बराबर कर दूंगा, जल्दी आ। तो भी जल्दी से यार ये जो विलेजर है इसको हम लोग डायरेक्टली लेकर चलते हैं उस रूइन पोर्टल के पास ताकि ये उसको रिपेयर कर सके। अबे भाग रहा है क्या इधर, अबे रुक रुक रुक, अबे यार ये थोड़ा ज्यादा ही आगे निकल गया, रुक जा, तेरी आज की तैसी कहाँ भाग रहा है, ये तो अपने विलेज में भाग रहा है भाई। आई थिंक ना इसको कोई डेमो दिखाना पड़ेगा तब जाके मानने वाला है भाई। अबे भाई कहाँ भाग रहा है यार, और क्या तुझे लगता है ये विलेजर तुझको बचा पाएंगे? और क्या हुआ भाई, क्या हुआ? अच्छा मेरे को मारेगा, ये कह रहा है इस विलेज का ये गुंडा है। रुक रुक रुक, तेरी तो निकल निकल, अब बोल चलेगा मेरे साथ, भागेगा क्या फिर से, भागेगा, भागा तो बराबर कर दूंगा, चली जा रहा, जल्दी से मेरे पीछा, तू बचने वाला नहीं, अगर तू भागा इस बार तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जल्दी चल, लेट्स गो गाइस। तो भी अपने विलेजर को लेकर आ चुके ताकि वो इस रूइन पोर्टल को रिपेयर कर सके, तो जल्दी से यार ये रिपेयर कर देगा तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। अबे जल्दी से रिपेयर कर इसको, बेबस समय नहीं है, कर रिपेयर, लेट्स गो। तो विलेजर ने इस पोर्टल को यार रिपेयर कर दिया है, वेल हाँ तू घर जा सकता है। बहुत यार यहाँ पर तूने इतना अच्छा पोर्टल बनाया ना कि मैं तुझको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, जो गिफ्ट चाहिए, हाँ गिफ्ट चाहिए, बहुत अच्छा काम करता है भाई तू, तेरे हाथ बहुत ही अच्छे हैं, तो मेरे को दे दे। चलो ठीक है, तो अभी जल्दी से यार फ्लिंट एंड स्टील का इस्तेमाल करके इसे लाइट अप करते हैं। वेट ये क्या था, अबे ये तो हीरो ब्राइन है, ये क्या रहा है, रुको रुको, अबे नीचे जाओ, ओ ये क्या था, एक मैं नीचे आ चुका, मेरा हेल्थ काफी ज्यादा कम है, रुको यहाँ पर एक नेदर पोर्टल है, यहाँ से मुझे आई थिंक निकल लेना चाहिए। अबे जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल। वेल अब सोच रहे कि यहाँ पर नेदर पोर्टल कैसे आ गया और नीचे एक छोटा सा बेस कैसे आ गया, वेल मुझे भी नहीं मालूम, मजाक कर रहा। बाकी भी जल्दी से यार ये जो पोर्टल है इसको मैं तोड़ देता हूँ, गुरु को इसको डायरेक्टली नहीं तोड़ सकते हैं, अभी जल्दी से इस ऑब्सीडियन को तोड़ना पड़ेगा ताकि ये जो पोर्टल है वो डीएक्टिवेट हो जाए एंड यहाँ पर हीरो ब्राइन मेरे पीछे ना पाए। लेट्स गो गाइस। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट सेफ है, बस यहाँ पर हेल्थ थोड़ा कम है एंड बहुत ही गंदा वाला आवाज आ रहा है, कोई पोकेमोन ने मुझे देख लिया तो बैंड बजा देंगे। यहाँ पे हीरो ब्राइन कहाँ से आ गया, नीचे चलो नीचे चलो, ऊपर बंद करो और स्नीक कर लो। भाई उसने यहाँ पर पोर्टल में आया और एक अलग पोर्टल बन गया मेरे जस्ट आगे ही, बट अच्छी बात यह रही कि मैं सही टाइम पर नीचे आ गया। सो आई थिंक यहाँ पर थोड़ी देर एफके करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर वीदर किंग चला जाए एंड यहाँ पर मुझे आवाज़ सुनाई दे रहा है कि वो आसपास घूम रहा है एंड कुछ तो तोड़ रहा है, होपफुली मुझे पकड़ ना ले। बाकी यहाँ पे रुको, एक टीएनटी फोड़ रहा है, मेरे को देखना नहीं, मेरे को इसकी स्केप के अंदर नहीं देखना चाहिए, इस होल में मत देखना, अबे होपफुली ना देखे, ओ मेरे ऊपर से क्या, ओ लेट्स गो, उसने नहीं देखा। बाकी मैं यहाँ पे करके आ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा तो नीचे वाइन करके यहाँ पे ब्लॉक करना चाहिए ना भाई, पता नहीं मैं क्या कर रहा। सो यहाँ पर स्नीक करके थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि यार हीरो ब्राइन यहाँ से चला जाए एंड हम लोग एकदम सेफ रहे। ओके गाइस, तो ऑलमोस्ट 10 मिनट तक वेट करने के बाद अभी हम लोग वापस आ चुके हैं, होपफुली यार यहाँ पर हीरो ब्राइन हमारा पीछा छोड़ दिया हो, मतलब कि यहाँ से चला गया हो, क्योंकि जब हम लोग नहीं गए थे बहुत सारे TNTs वो फोड़ रहा था, वैसे यहाँ पर मैंने स्नीक करके गया था, यहाँ पे वेट रख दिया था। तो अब इसको हटा देते हैं एंड यहाँ से बाहर निकलते हैं क्योंकि मुझे कोई आवाज नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब है कि हीरो ब्राइन चला गया है। बाकी ये देखो उस बच्चे ने कितना ज्यादा डिस्ट्रक्शन किया है, एक नंबर का लप्पू सा तो हीरो ब्राइन है और इतना डिस्ट्रक्शन करता है, छोड़ो। एंड अब यहाँ से जल्दी से निकलते हैं क्योंकि हमें फीदर किंग को फाइंड करना है एंड विद वो कौन है, अबे यार वो तो हीरो ब्राइन है एंड वो यहाँ पे कर क्या रहा है यार, आई थिंक ना वो यहाँ आसपास घूम रहा है एंड हमें फाइंड करने की कोशिश कर रहा है, बट वो लप्पू सा तो हीरो ब्राइन है, हमें ढूंढ नहीं पाएगा। तो अभी जल्दी से यार हमें विदर किंग को ढूंढ रहा है एंड मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि उस साइड नहीं जाएंगे, पीछे चलेंगे बेहतर है। क्या था भाई ये, यहाँ पर हीरो ब्राइन था ना, पता नहीं, वेल हो सकता है मुझे इल्यूजन हो रहा हो, बट उसको छोड़ो। अब यहाँ पर जल्दी से हमें विदर किंग को फाइन करना है एंड विदर किंग को फाइन करना आसान नहीं होने वाला है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई प्लान तो बनाना पड़ेगा।
तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि क्यों ना यार हम लोग यहाँ पर विदर किंग के कमजोरी का फायदा उठा जाए। मतलब कि ना एक्चुअली में विदर किंग अपने विदर से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, तो अगर यहाँ पर हमें कुछ विदर स्केलेटन्स मिल जाए एंड उनको हम लोग एक तरीके से ट्रैप कर दे, देन उनको बचाने के लिए यहाँ पर विदर किंग आ सकता है। बट वेट, अगर हम विदर स्केलेटन्स को ट्रैप करेंगे तो उनसे डायरेक्ट पूछ लेंगे ना कि आखिर विदर किंग कहाँ रहता है, काफी ज्यादा बेहतर रहेगा ये। एक मिनट, वहां पे कोई तो है। ओह लेट्स गो गाइस, यहाँ मुझे कुछ विदर स्केलेटन्स दिख रहे हैं, तो भी जल्दी से उनके पास जाते हैं एंड प्यार से पूछते हैं कि आखिर विदर किंग का घर कहाँ है, मतलब कि वो कहाँ रहता है। बताओ बताओ कहाँ है, वो नहीं बताएगा, तू बता बता कहाँ है वो, कहाँ है बताओ, विदर किंग कहाँ रहता है, नहीं तो तेरे दोस्त की तरह तुझे भी मार दूंगा मैं। काला काला लिपस्टिक लगाया है ना, उस सबको निकाल के लाल कर दूंगा मैं, समझ रहा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने इस विदर स्केलेटन से बात कर लिया है एंड ये बताने को तैयार हो गया है कि आखिर इसका मालिक, इसका राजा विदर किंग कहाँ रहता है। तो जल्दी से यार तू मुझे उस जगह पर ले चल, जल्दी से ले चल, ले चल। असन थोड़ा भी चलाकी किया तो तेरी ऐसी की तैसी कर दूंगा, पहले जो दो चार हड्डी बच्चे हुए ना उसको भी छटका दूंगा मैं। लेट्स गो गाइस, तो ये विदर स्केलेटन मुझे कहीं तो लेकर आ गया है एंड यहाँ पे सामने आप देख सकते हो ये किसी तो जगह का एंट्रेंस है। बाकी ये बोल रहा है ना क्या, सब लोग अंदर जाएंगे तो हमें विदर किंग मिल जाएगा एंड कहाँ भाग रहा है भाई तू, रुक अबे रुक, छोड़ो यार इसको, अभी जल्दी से हम लोग इसके अंदर चलते हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर विदर किंग जो है वो कहाँ पर है। वैसे ये टूटा हुआ जगह है। ओ एक मिनट, ये तो कोई विलेज है भाई। ओके गाइस, तो अभी उस विलेज के अंदर आ चुके हैं, लेकिन एक मिनट यार मुझे कुछ चीजें और लग रही है, लाइक जो हमारा विदर किंग है वो एक्चुअल में विदर्स का किंग है, तो इसका ये मतलब है ना कि यहाँ पर काफी सारे विदर स्केलेटन्स और विदर बॉसेस होने चाहिए। बट यहाँ पर तो नन्हे मुन्ने ब्रूट्स पिगलिंस और नॉर्मल पिगलिंस हैं। ये क्या चल रहा है भाई। वेल यहाँ पर किसी से पूछ लेते हैं ज्यादा बेहतर रहेगा। हेलो पिगलिन भैया जी, हेलो मुझे कोई बात बताइएगा कि यहाँ पर विदर किंग कहाँ मिलेगा, मालूम है आपको क्या हुआ। अबे क्या हुआ भाई, क्या हुआ, मार क्यों रहे, रुको रुको रुको, मुझे मार क्यों रहे हो, एक मिनट ये लोग मुझे घेर के मार रहे हैं भाई, मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा, नहीं भाई, अरे भगा दिया भाई, नहीं रुक, क्यों, मैं विदर किंग का बारे में तो पूछ रहा था बस, बट इन्होंने मुझे घेर घेर के मारा यार। जो भी हो अभी रिस्पॉन करते हैं। एंड वेट, ये मैं कहाँ आ गया, ये देखे में तो किसी जेल जैसा लग रहा है। एंड एक मिनट, इसको मैं तोड़ भी नहीं पा रहा और मेरे सारा का सारा इन्वेंटरी का सामान कहाँ गया, रुको यार मैं किसी तो हेलो ये कौन है भाई, एक मिनट ये तो कोई विदर स्केलेटन है, पर तू यहाँ कैसे और मैं कहाँ हूँ। ओके गाइस, तो अभी मैंने इस विदर स्केलेटन से बात कर लिया है एंड ये बोल रहा है ना कि हम लोग एक्चुअली में पिगलिन के साम्राज्य में, मतलब कि हम लोग गलत जगह आ गए और ये सब उस गधे से विदर स्केलेटन के कारण। यार विदर स्केलेटन ने बहुत बुरा फंसाया, यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे ये मुझे अभी एकदम समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ना मैं यहाँ पर कोई चीज तोड़ पा रहा हूँ और ना ये मेरे पास कोई भी चीज है, और ये तो अलग ही डिमोटिवेट कर रहा है, कह रहा है ना यहाँ पर जो आता है वो हद्दी बन के जाता है। भैया तू तो पहले से हद्दी है, तू हद्दी कैसे बनेगा। तो यार इस केस से कैसे बाहर निकले ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो मुझे कमेंट बता देना एंड आई थिंक आज के लिए तक काफी रहेगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में इस केस को तोड़कर विदर किंग से मिलते हुए, तब तक के लिए गुड बाय।